तो बच्चों अब हम करते हैं सिक्स का सेकंड वाला पार्ट। ये वाला फिगर आप देख रहे होंगे, तो बच्चों ये वाला पार्ट आप देख रहे होंगे और यहाँ पे देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो चीज़ मुझे गिवन है वो मैंने लिख ली है, एंगल डी एंगल ई के इक्वल है और ये चीज़ आपको गिवन है। तो ऑब्वियसली बात है, मैं बोलता हूँ इन ट्राइंगल ए डी और ई की बात करता हूँ, अगर ए डी ई, तो देखिए यहाँ पे जो डी है ना ये ई के इक्वल है। अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है ना बच्चों, अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर ये वाला एंगल, देखो यहाँ पे ट्राइंगल बना देता हूँ, और अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है ना तो इसकी ये वाली ये दोनों साइड्स भी इक्वल होती है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल, है ना। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो ऑब्वियसली बात है ए डी इज इक्वल टू ए ई हो जाएगा, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। आपने पढ़ा है नाइन्थ में कि भाई ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों साइड भी इक्वल होते हैं, हमने ट्रायंगल में पढ़ा था। तो यहाँ पे देखिए इससे इमेज को ये मिल गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ ए बी सी, है ना। तो यहाँ पे देखो मैं बना देता हूँ ए बी सी और ऊपर चलते हैं डी, है ना, यहाँ पे डी, ये डी और ये ई, ठीक है जी। तो हमें यहाँ पे अभी इससे पहले वाले जो मैंने बताया, तो ये मैंने देखा कि भाई जो ए डी है ये ए ई के बराबर है, क्या बात है जी, ठीक है। अच्छा, और ये वाला एंगल तो इसके इक्वल है, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी, अब ये पूरे ट्राइंगल को लेता हूँ, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक चीज गिवन है कि ये जो ए डी है मेरे बच्चों, ये डी बी के रेशियो में है और ये जो ए ई है ये ई सी के रेशियो में है, राइट। ये हमें गिवन है मेरे बच्चों, ये हमें गिवन है। और अगर ये चीज गिवन है तो ऑब्वियस सी बात है ये किस चीज को कंक्लूड कर रहा है, ये सिमिलैरिटी के सिमिलैरिटी को बता रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा डी ई होगा मेरे बच्चों, इससे पैरेलल हो जाएगा बी सी के, और जब ये दोनों पैरेलल होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल क्या होता है, सिमिलर होता है ना। तो देखो इस चीज से कंक्लूड मैं अगर करता हूँ कि भाई अगर ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि जो मेरा डी बी होगा वो भी ई सी के इक्वल होगा, बिल्कुल बोल सकता हूं, क्योंकि देखो यहीं से तो मुझे मिल रहा है ये जो मुझे गिवन है, इससे ये कंक्लूड कर सकता हूं मैं कि जो डी बी है वो ई सी के इक्वल है। तो यहां से देखिए मैं अब क्या कर सकता हूं, बहुत प्यार से देखना है इसको। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, देखिए ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखिएगा आप कि अगर मैं, ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया, अब हम इसको आगे कंक्लूड करते थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए डी किसके इक्वल है, ए ई के, और बी डी किसके इक्वल है, ई सी के। तो मैं बोल सकता हूँ देखो ए डी किसके इक्वल है, ए ई के, और जो मेरा डी बी किसके इक्वल है, ई सी के, ठीक है, ई सी के। मेरी फर्स्ट इक्वेशन ही मेरी सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट वाले से पता चला था और ये सेकंड वाले से मुझे पता चला। अब अगर इन दोनों को मैं ऐड अप कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, ए डी प्लस डी बी इक्वल्स, इन दोनों को ऐड करो तो ए ई प्लस ई सी, और यहाँ से देखिए ए डी प्लस डी बी कितना है मेरे बच्चों, ये है मेरा पूरा ए बी, देखो ए बी, और यहाँ से मैं क्या मिल रहा है, ए ई प्लस ई सी क्या है, देखो ए ई प्लस ई सी क्या है, पूरा ए सी, तो मैं इसको ए सी लिख सकता हूँ। तो इससे मुझे क्या मिल गया कि जो मेरा ए बी है ये ए सी के इक्वल है। तो देखो यहाँ पे ऐसे कर कर कुछ था, ए बी और सी, अब ये वाला पूरा इसके इक्वल होगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्या बात है, कितना इजीली हमने ये भी कर दिया। चलो अब हम सेकेंड सेवन्थ पार्ट करते हैं, सेवन्थ क्वेश्चन करते हैं।